कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पांचवी बार सदस्य हैं और मंत्री सरकार में रहे हैं और संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने 1990 से संभाली हैं। वरिष्ठ विधायक अपने क्षेत्र में किस तरह के काम विकास कार्य करा पा रहे हैं वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे और ऐसे कौन से विषय हैं जिन्हें लेकर वो सरकार से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात तो करते हैं लेकिन रिस्पांस मिलता नहीं दिखता है। रावत जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे जी कि क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। देखिए, मुख्य चीजें हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी, यही सारी मुख्य चीजें हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो प्रस्ताव भिजवा करके स्वीकृत कराए हैं वह तो काफी सड़कें स्वीकृत हुई हैं, लेकिन पिछले इन 14 वर्षों में लोक निर्माण विभाग से जो सड़क स्वीकृत हो जाना चाहिए थी, कई सड़कों के हमने DPR बनवा के समय समय पर राज्य स्तर तक, शासन स्तर तक पहुंचाए, लेकिन वह सड़कें स्वीकृत नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी भी कई बार मेरे क्षेत्र में गए, घोषणा करके आए, वह घोषणाएं भी मुख्यमंत्री पूरी करने में कोताही बरत रहे हैं, वह अभी सरकार के माध्यम से नहीं हो पा रही हैं। जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र विजयपुर, जो विजयपुर नगर के नाम से है, वहीं पर मुख्यमंत्री बाईपास की घोषणा करके आए और दो बार प्रस्ताव बनवा करके मैंने पूरी DPR बनवा करके भिजवा दिया, लेकिन जब मुख्यमंत्री द्वारा घोषित बाईपास सड़क है वह भी आज तक स्वीकृति यहाँ से प्रदान नहीं की गई, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहाँ तक छोटे छोटे गांवों को जोड़ने की बात है तो बहुत सारी सड़कें हैं, मैंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ योजना से प्रस्ताव भिजवाकर, जुड़वाकर स्वीकृत कराई है। इसी तरह से बिजली के अंतर्गत मैंने 8-10 सब स्टेशन 33/11 के भी है और एक बड़ा सब स्टेशन 132 विजयपुर, ये स्वीकृत कराया है। अगर मैं नाम लूं तो रघुनाथपुर में 33/11 के भी विद्युत सब स्टेशन, श्यामपुर में 33/11 के भी सब स्टेशन, दौर्द में 33/11 के भी विद्युत सब स्टेशन, गढ़ी में 33/11 के भी विद्युत सब स्टेशन, गोटाम में 33/11 के भी विद्युत सब स्टेशन, बेनीपुरा में 33/11 के भी विद्युत सब स्टेशन, भूरवाड़ा जो कराल ब्लॉक में आते हैं मेरी विधानसभा क्षेत्र में 33/11 के भी सब स्टेशन, सूसवाड़ा में भी सब स्टेशन, खिरकरी में भी सब स्टेशन, चक्रामपुर, बरागवा आदि स्थानों पर सब स्टेशन स्वीकृत करा के निर्माण पूरे कराए हैं, टर्रा कला में भी सब स्टेशन। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई स्कूल मैंने खुलवाए और विजयपुर में अपर सत्र न्यायालय की स्थापना, विजयपुर में न्यायालय भवन का निर्माण, विधानसभा में राज्य सरकार से पिछले ही सत्र में मैंने सिंचाई मंत्री नरोत्तम मिश्रा के से विधानसभा में चेटीखेड़ा बांध बनाने की स्वीकृति की घोषणा जरूर करवा ली है। क्योंकि विधानसभा में घोषणा की है तो उसे स्वीकृत तो होना चाहिए, अभी तक तो स्वीकृति नहीं मिली लेकिन उम्मीद है स्वीकृति मिल जाएगी। इसी तरह से बहुत कई महत्वपूर्ण काम है विजयपुर में, वाटर सप्लाई योजना और छोटे छोटे काम तो कराए ही हैं, कई लगभग 70-80 स्पॉट सोर्स नल जल योजनाएं मैंने अपने क्षेत्र में स्वीकृत कराई हैं। इस वक्त एक विषय आता है कि अल्प वर्षा के कारण कई क्षेत्र ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पानी की कमी है, क्या पहले से तैयारी आपकी विधानसभा क्षेत्र में है या सरकार कहीं कोई कसर छोड़ रही है? नहीं, मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस संबंध में जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अगर हम गिनती करेंगे तो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र विजयपुर की, विजयपुर तहसील उन सबसे पिछड़े क्षेत्रों में होगी जहां पानी की भयानक कमी है। और मैं लगातार सितंबर से अगस्त जैसे समाप्त हुआ है, वर्षा कम हुई,
सितंबर के बाद से माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव पीएचई को, आयुक्त नगरी प्रशासन को लगातार पत्र लिखता चला आ रहा हूं कि इसके लिए अभी से उपाय किए जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई उपाय नहीं किए। और मुझे लगता है खेती तो दूर की बात हो गई, खेती तो हुई नहीं, इस बार भयंकर सूखा है, लेकिन सरकार ने पेयजल की भी तैयारियां नहीं की हैं। पेयजल संकट का जबरदस्त रूप से सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल, और सरकार जो दावा करती है स्कूल चलें और तमाम अभियान चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या आपको लगता है सरकारी स्कूलों की मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत अच्छी है, कांग्रेस के शासन काल से अच्छी है? देखिए, स्कूलों की हालत ये है कि बहुत सारे स्कूल आज शिक्षक विहीन है, अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। अतिथि शिक्षक किस तरह का स्कूल चलाएंगे आप और हम सभी जानते हैं। आज स्कूलों की हालत बद से बदतर है। हर पालक जो थोड़ा भी अफोर्ड कर सकता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के नाम पर प्राइवेट स्कूलों में भर्ती करा रहा है। छोटी छोटी जगहों पर, छोटे छोटे गांवों में प्राइवेट स्कूल चल पड़े हैं। स्कूल चलो अभियान के नाम पर सरकारी स्कूलों में लोगों के नाम जरूर लिखे हैं, जरा भी समझदार हैं, लेकिन वो नाम ही नाम भर ही लिखे हैं, स्कूल चल नहीं रहे। ना तो स्कूल में जाते हैं, ना ही स्कूल में पढ़ते हैं, वो कहीं अन्यत्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई है पूरे प्रदेश में ही, जबकि हम चाहते हैं कि शिक्षकों की भर्ती कभी कई वर्षों से पेंडिंग है। विधानसभा में भी कई बार घोषणा कर चुके हैं कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 2011 से आज तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि लगभग 2 लाख शिक्षकों की बच्चों के अनुपात में 2 लाख शिक्षकों की भी आज आवश्यकता है। अब 2 लाख शिक्षकों के अभाव में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था प्रदेश की चल रही होगी, ये किसी से छुप नहीं सकता। बिल्कुल, जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ डॉक्टर्स के मामले में क्या कहेंगे? अस्पताल संसाधन युक्त हैं, 400 दवाएं मिल रही हैं, इस तरह का दावा होता है, लेकिन एक चीज तो सरकार भी स्वीकार करती है कि डॉक्टर नहीं है। क्या संसाधन से लैस करने से काम चल जाएगा, और क्या वाकई में जो दावा किया जा रहा है कि संसाधन से लैस है, क्या अस्पताल बहुत हाईटेक हो गए मध्य प्रदेश के? मैं इस चीज को नहीं मानता, काफी बड़ा क्षेत्र में घूमता भी रहता हूँ। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बीमारू स्थिति में हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पूर्णतः बिगड़ चुकी है। आज डेंगू और मलेरिया का प्रकोप पूरे प्रदेश में जबरदस्त रूप से फैला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चाहे जितनी करे, नंबर एक तो पहले तो डॉक्टर ही पदस्थ नहीं है। बहुत सारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल ऑफिसर के बिना ही चल रहे हैं। कई स्वास्थ्य केंद्रों में तो पैरा मेडिकल स्टाफ भी नहीं है, एक एक नर्स के भरोसे मेडिकल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं। वो किस तरह की स्थिति किसी से छुपा नहीं। पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, और दूसरे दुर्भाग्य हाथ तो यहाँ हो जाती है कि ये सेंट्रली परचेजिंग करके दवाइयां प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजते हैं। जरूरत होती है हमें किसी बीमारी की दवाई के लिए, ये भेज देते हैं सेंट्रली परचेज करके, और इससे मरीजों को लाभ नहीं होता। वह भी लोकल उत्पादन वाली, लोकल फैक्ट्रियों से उत्पादित हुई दवाइयों का की परचेज करते हैं, तो वो लोगों को उनसे लाभ नहीं मिलता, लोगों का उन पर से विश्वास उठ गया है। यही कारण है आज आप देखें छोटी छोटी जगहों पर जो आरएमपी डॉक्टर हैं, जो झोला छाप डॉक्टर, उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है, लेकिन हॉस्पिटलों की स्थितियां बिल्कुल खाली। इसके साथ अगर स्थिति हम संगठन की, अब कांग्रेस के संगठन के लिहाज से अगर हम बात कर लें, क्या कांग्रेस के संगठन में इन दिनों जो हलचल चल रही है वो एक सफलता की तरफ 2018 में ले जा पाएगी? नहीं, कांग्रेस सफल तो होगी, सफल तो जनता बनाती है, और संगठन में, संगठन के चुनाव सामने हैं, हमें उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। उम्मीद है,
लेकिन जो एकजुटता को लेकर बार बार सवाल खड़ा होता है, क्या अब ये तय हो गया है कि सभी नेता पूरा जोर लगाएंगे और चित्रकूट जैसी परिस्थितियां 2018 में बरकरार रहेंगी? बिल्कुल चित्रकूट जैसी परिस्थितियां 2018 में बरकरार रहेंगी। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता बदलना चाहती है, जनता वह बदलाव का अभाव है, जनता काफी त्रस्त हो चुकी है इनके झूठे वादों से और झूठे घोषणाओं से। आज की स्थिति में हम देखें कि जबरदस्त रूप से महिलाएं प्रदेश में असुरक्षित हैं, 14 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं, 8 सामूहिक बलात्कार, 8 अवयस्क महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, 3 सामूहिक बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं, 6 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्याओं का आलम यह है कि किसान इस समय पीड़ित है, दुखी है। भावांतर योजना जो इन्होंने अभी घोषित की है, किसानों को भंवर जाल में फंसाने की डालने की एक योजना है। सही बात तो ये है कि सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण समर्थन मूल्य पर किसान की फसल को न खरीदने की एक कुत्सित प्रयास और प्लानिंग के तहत भावांतर योजना की घोषणा की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुपोषण के मामले में प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। कुपोषण की स्थिति बद से बदतर है। हम देश में ही नहीं, विश्व में कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश बदनाम है। सड़कों की भी लगभग यही स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाओं की भी यही स्थिति है। बेरोजगारी का आलम किसी से छुपा नहीं है। पटवारियों की 10,000 9,500 जगह निकलती हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भरते, 10 लाख लोग, 10 से अधिक शिक्षित बेरोजगार फॉर्म डालते हैं, उनसे फीस वसूली जाती है और उसमें भी एम टेक MSc MBA लोग पटवारी के लिए अपना फॉर्म डाल रहे हैं। तो बेरोजगारी जबरदस्त रूप से बढ़ती जा रही है, लोगों में भारी असंतोष है। बिल्कुल, लोगों में भारी असंतोष है। मामला चाहे किसान का हो या मध्य प्रदेश के युवा का, अब देखना ये है कि जो रावत जी ने कहा है कि सरकार तो जनता बनाती है, तो ये जनता 2018 में किसके साथ जाती है? कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।